वो एक्ट्रेस जिनकी वॉइस है प्यारी प्यारी, जिनकी आईज कर देती है दुनिया दीवानी, वो जो दिन भर करती रहती है शैतानी, ऐसी है अदिति शर्मा हमारी। हाय, मैं हूँ शुभी, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दिल्ली शहर में बॉर्न एंड रेज्ड अप अदिति शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था। उन्हें प्यार से सब आदि अद्दू बुलाते हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के हंसराज मॉडल स्कूल से कंप्लीट की। अपनी आगे की स्टडीज के लिए उन्होंने विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से जर्नलिज्म का कोर्स किया। बाय प्रोफेशन वो एक जर्नलिस्ट है, लेकिन बचपन से ही अदिति का इंटरेस्ट एक्टिंग में था और वो अपने नखरे और अदाएं पेरेंट्स के सामने हमेशा दिखाती रहती थी। अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स के अलावा वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के भी बहुत क्लोज है। अदिति अपनी माँ के सबसे ज्यादा क्लोज है और उन्हें वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। वो बताती है कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपनी माँ से अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर बात शेयर की है, और उनकी माँ उन्हें सपोर्ट भी करती है और गलती होने पर उन्हें डांट भी देती है। अदिति जब 3 साल की थी तभी उन्होंने एक्टिंग फील्ड में कदम रख दिया था और पहली बार एक टीवी शो में काम किया था, बट उनकी माँ उनको पहले बैकअप प्लान के लिए प्रिपेयर करना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने पहले स्टडीज पर फोकस करवाना ही ठीक समझा। लेकिन अदिति के सपने और एक्टिंग का कीड़ा इतना बड़ा था कि 2015 में कॉलेज के पहले ही दिन उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि हाय, आई एम अदिति शर्मा एंड आई एम मिस इंडिया 2016। और एग्जैक्टली 1 साल बाद 2016 में ही अदिति सच में मिस इंडिया मंच पर खड़ी थी। लेकिन अदिति अपनी पियर शेप्ड बॉडी की वजह से काफी बार बॉडी शेमिंग की शिकार हुई। उन्हें उनकी बॉडी की वजह से रैंप वॉक्स और ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अदिति ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना करियर अमेजोन रैंप वॉक पर बतौर मॉडल स्टार्ट किया क्योंकि उस रैंप शो के लिए पियरशिप मॉडल की डिमांड थी और अदिति की जर्नी का वो पहला कदम था। साथ ही उन्होंने अपने कॉलेज डेज के दौरान भी काफी सारे टीवी एड्स और फोटोशूट्स में काम किया और टीवी शोज के लिए ऑडिशंस भी दिए। उन्होंने कभी एक्टिंग की क्लासेस नहीं ली, ना ही थिएटर में काम किया, और इसी वजह से उन्हें कलीरे शो के ऑडिशन के दौरान अपने सिलेक्शन पर थोड़ा डाउट था। हर एक्टर को ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहते हैं। अदिति को उस ऑडिशन में भी ऐसा सुनने को मिला तो उन्होंने इसे रिजेक्शन समझकर घर आना ही ठीक समझा। बट कुछ टाइम बाद उन्हें मुंबई से कॉल आया तो उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर से ये कहा कि मुंबई आकर मेरे पापा के पैसे खत्म हो रहे हैं, कंफर्म सिलेक्शन हो तभी आऊंगी। एंड गेस व्हाट, वो कॉल, वो ऑडिशन, वो शो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी खुशी सबसे बड़ी थी और उसे अदिति कभी नहीं भुला सकती। बाद में अदिति गुरु रंधावा के साथ तारे सॉन्ग में भी नजर आई और रिसेंटली उन्हें ये जादू है जिनका शो में देखा जा रहा है। इसके अलावा भी नागिन 3 में कैमियो रोल और कुछ सॉन्ग्स में भी वो नजर आ चुकी है। अपनी एक्टिंग पर लगातार वर्क कर करके आज अदिति ने अपने फैंस के बीच अपनी पहचान बनाई है। अदिति सपने देखने और मेहनत करके उन्हें अचीव करने पर दिल से बिलीव करती है और उनका ये सीक्रेट हमेशा काम भी करता है। ये जादू है जिनका शो में अदिति अपने स्टंट्स खुद ही करती है। शो में एक सीन के दौरान उन्हें ग्राउंड लेवल से 10 फीट नीचे कूदना था, जिसमें उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट अदिति ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने स्टंट्स खुद कम्प्लीट किए। वो एक बहुत सुलझी हुई और समझदार एक्ट्रेस है और अपनी एज से ज़्यादा काफ़ी मैच्योर भी है। अदिति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि सक्सेस की कोई एज नहीं होती, कोई इंसान 20 साल में भी सक्सेसफुल हो सकता है और कोई 70 साल में भी। यानी चाहे आप अभी तक सक्सेसफुल ना भी हो पाए हो तो दूसरों से कंपेयर करके अपना हार्डवर्क नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सबको सब कुछ एक ही टाइम और एक ही एज में नहीं मिलता। अदिति का एनर्जेटिक और बबली नेचर सभी को अट्रैक्ट करता है और उनकी काइंड हार्टेडनेस भी। अदिति बताती है कि उन्होंने कभी भी किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं किया और वो जल्दी ही सभी से माफी भी मांग लेती है। उनके फेवरेट एक्टर हैं रणवीर सिंह और फेवरेट एक्ट्रेस हैं माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। उनकी फैशन चॉइस हमेशा से कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना ही रही है। वैसे टीवी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने से पहले वो यूट्यूब चैनल ऋषम पे भी एक्ट किया करती थी। बाद में उन्हें कई दूसरे यूट्यूबर्स के साथ भी कोलैब करते हुए देखा गया, बट वो बताती है कि उन्हें यूट्यूब पर एक्ट करने पर वो फीलिंग नहीं आती जो उन्हें टेलीविजन के लिए एक्ट करने पर आती है। अदिति की माँ के अलावा यूट्यूबर मोहित चिकारा उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ वो काफ़ी वीडियोस में नज़र भी आती रही हैं। अदिति को हमेशा ही ब्यूटीफुल आइज को लेकर कॉम्प्लीमेंट मिलते रहे हैं और वो अपनी अट्रैक्टिवनेस की वजह से काफ़ी लड़कों की क्रश भी रह चुकी है। वैसे मुझे अदिति का ड्रीम बिलीव अचीव वाला सीक्रेट बहुत पसंद आया। आपको क्या पसंद आया अदिति के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।